हाय दोस्तों, आज बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की। आशीष नेहरा एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जो 1999 से 2017 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेले। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जो अपनी स्विंग और सटीकता के लिए जाने जाते थे, खासकर सीमित ओवरों के मैचों के डेथ ओवरों में। नेहरा ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत के लिए पदार्पण किया और भारत के लिए 17 टेस्ट, 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 27 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। वह 2003 ICC क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और 2011 विश्व कप विजेता टीम में भी खेले थे। नेहरा इंडियन प्रीमियर लीग IPL में दिल्ली मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स और सनराइजर्स हैदराबाद सहित भारत में कई घरेलू टीमों के लिए खेले हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने बतौर कमेंटेटर और कोच काम किया है। नेहरा का जन्म 29 अप्रैल 1979 को दिल्ली में हुआ था। वह खेल के प्रति उत्साही लोगों के परिवार में पले बढ़े हैं और उनके पिता क्लब स्तर के पूर्व क्रिकेटर थे। उन्होंने कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और 1997 में दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। उन्होंने जल्दी ही एक प्रतिभाशाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपना नाम बनाया। नेहरा का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 1999 में हुआ था, लेकिन उनका करियर चोटों से ग्रस्त रहा। उनके टखने, घुटने और पीठ की कई सर्जरी हुई, जिसके कारण उन्हें कई मैचों और टूर्नामेंटों को छोड़ना पड़ा। अपनी चोटों के बावजूद नेहरा सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के लिए एक मूल्यवान खिलाड़ी बने रहे। वह गेंद को दोनों तरह से स्विंग कराने की क्षमता और डेथ ओवरों में अपनी सटीकता के लिए जाने जाते थे। नेहरा के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक पाकिस्तान के खिलाफ 2003 के विश्व कप सेमीफाइनल में आया था। उन्होंने 2 शुरुआती विकेट लिए और अपने 10 ओवरों में 2 विकेट लेकर 33 रन दिए और भारत को 6 विकेट से मैच जीता दिया। IPL में नेहरा कई वर्षों तक कई टीमों के लिए खेले। वह 2013 में टूर्नामेंट जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम और 2016 में टूर्नामेंट जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे। नेहरा ने 2017 में दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने वनडे में 157 विकेट और T20 में 44 विकेट लेकर अपने करियर का समापन किया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नेहरा ने विभिन्न टीमों के लिए मेंटर और कोच के रूप में काम किया है। वह 2019 के IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए गेंदबाजी कोच थे और 2020 के IPL में दिल्ली की टीम के लिए कोच के रूप में भी काम किया। आशीष नेहरा उन कुछ क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों की कप्तानी में खेला है। सौरव गांगुली के वे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे। भारतीय टीम में अपने शुरुआती दिनों में तेंदुलकर की कप्तानी में खेला और बाद में अपने करियर के अंत में कोहली की कप्तानी में खेले। 2003 के विश्व कप में नेहरा ने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ एक प्रसिद्ध गेंदबाजी की, जहां उन्होंने 23 रन देकर 6 विकेट लिए। यह अभी भी किसी भारतीय द्वारा विश्व कप मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। नेहरा मैदान के बाहर अपने खुशमिजाज और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर अपने साथियों द्वारा मजाक और मजाक का निशाना रहा है और उसने उन पर मजाक भी किया है। नेहरा के सबसे अच्छे दोस्त और पूर्व साथी खिलाड़ी युवराज सिंह ने एक बार एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि नेहरा टीम के दौरों पर अपने साथ एक तकिया ले जाते थे और इसके बिना कभी नहीं सोते थे। नेहरा की शादी रुशमा नेहरा से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम आरुष है। रुशमा एक फैशन डिजाइनर हैं और उनका अपना लेबल रुक्षा है। 2017 में नेहरा को दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। इस भूमिका से हटने से पहले उन्होंने एक सीजन के लिए टीम को कोचिंग दी। नेहरा ने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने इन भूमिकाओं में MS धोनी, सुरेश रैना और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहे।